औकात बहुत सी मेहनतों का नतीजा इंसान देखता है कि जाया चला गया। मैंने 10 साल मेहनत की, हासिल कोई नहीं मिलता। ये समरात क्या है? मेहनतें, मेहनतों के समरात का जिया। कोशिश आपने की, किस्मत की खूबी देखी है, टूटी कहां कमन, 2-4 हाथ जब के लबे बाम रह गए। बी प्रिपेयर्ड। एक शायर के अशआर है, वो कम्युनिस्ट था, मैं नाम भी नहीं लेता, लेकिन ये कि ये इसी इनकलाबी, चूंकि उनका भी एक इनकलाबी नजरिया है, इनकलाबी अमल में ये सारे मराहिल आते हैं। कोई सेटबैक आया, फर्ज कीजिए कोई नाकामी हो गई, तो अपने साथियों को दिल बंधाने के लिए, ये फसल उम्मीदों की हमदम, इस बार भी गारत जाएगी, सब मेहनत सुबह शामों की, अब के भी अकारत जाएगी। मेरे नदी के समरात का जो लफ्ज यहां आया है, मनक्से में अम्बाले वल अनफुसे बस समरात, सब मेहनत सुबह शामों की, अब के भी अकारत जाएगी। धरती के कोनों खदरों में फिर अपने लहू की खाद भरो, फिर मिट्टी सींचो अशकों से, फिर अगली रुत की फिक्र करो, फिर अगली रुत की फिक्र करो, जब फिर एक बार उजड़ना है, एक फसल पकी तो भर पाया, तब तक तो यही कुछ करना है। एक मकसद है सामने, इनकलाब बर्पा करना है। एक कोशिश नाकाम हो जाए कोई परवाह नहीं, नेक्स्ट, फिर तैयार रहो नाकामी के लिए। ऐसा ना हो जो अंग्रेजी में कहते हैं, होप फॉर द बेस्ट बट बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। ऐसा ना हो कि दूसरी मरतबा नाकाम होकर बददिल हो जाओ, तुम्हारी हिम्मतें जवाब दे जाए। नहीं, पहले से तैयार रहो कि दूसरी मरतबा भी नाकामी आए तो आए, लेकिन जब तक कि कामयाबी हासिल नहीं होती, हमें यह काम किए थे। देखिए सीरत में आया कि नहीं, यह वाक्य बदर में मुसलमानों को फतह हुई तो ओहद में जख पहुंची के नहीं, 70 सहाबा शहीद हुए कि नहीं। अगर उनकी हिम्मतें जवाब दे जाती तो गाड़ी कैसे चलती आगे। तो फरमाया وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ हम तुम्हें लाजम नजमाएंगे खौफ की कैफियत से, फकर फाके की कैफियत से, भूख से, जान के नुकसान से, माल के नुकसान से, मेहनतों के हासिल के जाय हो जाने से। وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ और ऐ नबी बशारत दीजिए सब्र करने वालों। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन, वो के जब उन पर कोई तकलीफ आए, कोई मुसीबत आए, कोई आजमाइश आए, कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वो ये कहें कि हम अल्लाह ही के हैं, अल्लाह ही की तरफ लौट जाना है। ये वही अंदाज है जो मैंने फारसी का शेर सुनाया था आपको कि सरे तस्लीम खम है जो मिजाज यार में आए। वो हमारा मौला है, हमारा आका है, अगर उसे यही मंजूर है तो हमें भी यही मंजूर। मैंने तस्लीम और रजा की बात की थी ना, आपको कुछ शेर सुनाए थे, एक शेर और सुनिए, और ये किसका है? मोहम्मद अली जौहर का। एक मर्तबा जेल गए, उनकी एक बेटी जवान बीमार हुई, फौत हो गई, बाहर छोड़ा अंग्रेज ने, जाओ भाई दफन कर दो बेटी। दूसरी मर्तबा जेल गए, दूसरी जवान बेटी उसी मर्ज में मुबतला हुई, अब ये जेल में है, खबर पहुंची कि दूसरी बेटी के ऊपर भी उसी मर्ज का हमला हुआ। एक नज़म लिखी है जिसका आखिरी शेर ये है, तेरी सेहत हमें मंजूर है लेकिन उसको नहीं मंजूर तो फिर हमको भी मंजूर नहीं। ये है, जब तक ये कैफियत ना हो इस मैदान में आदमी साबित कदम नहीं रह सकता कि मेरे रब को अगर ये मंजूर है तो यही मुझे मंजूर, और तेरी सेहत हमें चाहिए तो जरूर लेकिन हमारे रब को मंजूर नहीं तो हमें भी मंजूर। राजी बरजाए रब। वबशरी साबिरीन अल्लज़ीन इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। न शबद नसीबे दुश्मन के शबद हलाके तेगत, सरे दोस्ता सलामत के तू खंजर आजमाए। उलाइक अलैहिम सलावातुम मिन रब्बिहिम व रहमा, यही है वो लोग जिन पर उनके रब की तरफ से इनायतें हैं और रहमतें हैं। व उलाइक हुमुल मुहतदून, और यही है वो लोग जो कामयाब होने वाले हैं, हिदायत पाने वाले, हिदायत याफ्ता। इसी सूरह बकरा में जरा आगे चलकर, ये तो है 20वां रुकू, 19वां रुकू,
भी 21वें रुकू की पहली आयत है, लैसल बिर्रान तुवल्लू वजूहकुम क़िबलल मशरिक वल मग़रिब वलाकिन अल बिर्र मन आमना बिल्लाह वल यौमिल आखिर वल मलाइकति वल किताब वन नबीयीन وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. اب یہ آیت جو ہے سورة العصر میں جو مضامین آئے تھے سارے اس میں موجود ہیں. وہاں ایمان کا لفظ آیا, یہاں پانچ ایمانیات کی تفصیل آ گئی, اعمال کی تفصیل آئی, اور آخری بات وہاں کیا ہے, وتواصوا بالصبر, اور یہاں کیا ہے, والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس, اور صبر کرنے والے. اصل نیکی ان کی ہے جو صبر کریں, کس میں, جنگ کے وقت, ذرائے بأسائے, بأسا کہتے ہیں فقر اور فاقہ, واحد آئے گا باس تو اس کے معنی جنگ, اور باسا جمع میں آئے گا تو فاقہ, فقر, بھوک, اور ذرائے جسمانی تکلیف, ضرر, جسمانی تکلیفوں میں صبر کرنے والے, فقر اور فاقے میں صبر کرنے والے, اور جنگ کے وقت صبر کرنے والے, اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون, یہ ہیں وہ لوگ جو صبر کرنے والے ہیں.